क्या आपने कभी गौर किया है कि सड़क के किनारे रंगीन मील के पत्थर यानी माइलस्टोन्स क्यों लगाए जाते हैं और ये मील के पत्थर अपना कलर कोड क्यों बदलते रहते हैं? मतलब कहीं इनका रंग पीला होता है तो कहीं काला तो कहीं लाल, आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। मील के पत्थर वो पत्थर होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक निश्चित बिंदु से हमारी मंजिल कितनी दूर है। भारत में सभी सड़कों पर एक जैसे मील के पत्थर नहीं होते हैं। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, जिले की सड़कों और गांव की सड़कों के लिए रंग कोड भी अलग अलग है। पीली पट्टी वाले मील के पत्थर, सड़क पर चलते समय या गाड़ी चलाते समय अगर आपको कोई ऐसा मील का पत्थर दिखाई दे जिसके ऊपरी भाग पर पीली पट्टी हो तो समझ जाइए कि आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं। हरी पट्टी वाले मील के पत्थर, जब आपको सड़क के किनारे हरे रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन दिखाई दे तो इसका मतलब यही है कि आप नेशनल हाईवे पर नहीं बल्कि स्टेट हाईवे पर हैं। भारत में जब सड़कों का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है तो हरे रंग के मील के पत्थर का उपयोग किया जाता है और इन सड़कों का रखरखाव भी पूरी तरह से राज्य द्वारा ही किया जाता है। काली, नीली या सफेद पट्टी वाले मील के पत्थर, जब आप सड़कों के किनारे काले, नीले या सफेद पट्टी के साथ एक मील का पत्थर देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी बड़े शहर या जिले में प्रवेश कर चुके हैं। इन सड़कों का रखरखाव जिले के अंतर्गत ही आता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन सड़कों का रखरखाव उसी शहर के प्रशासन द्वारा किया जाता है। नारंगी रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर, नारंगी रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर गांवों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह पट्टी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और गांवों की सड़कों पर अलग अलग कलर कोड के मील के पत्थर मौजूद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि यह है आपका अपना कॉलेज, नॉलेज कॉलेज नेटवर्क।